बॉलीवुड के जाने माने सिंगर बप्पी लहरी कल रात 11 बजे कोरोना वायरस की वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी हां, इन्होंने 69 साल की उम्र में ही हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिस वजह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख की लहर छा गई है और सभी सितारे अपने अपने भाव प्रकट कर इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा ने भी बप्पी लहरी के अचानक निधन पर अपना रिएक्शन देते हुए काफी कुछ बातें बोली हैं। तो फिर आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या कहा है सलमान और सोनाक्षी ने बप्पी लहरी के निधन को लेकर। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जब से खबर आई है कि 80 और 90 के दशक के मशहूर गायक बप्पी लहरी ने कोरोना महामारी के चलते हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिस खबर को सुनकर पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में आ गई है और सभी सितारे उनके निधन को लेकर अपने अलग अलग रिएक्शन के साथ नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा ने अचानक बप्पी लहरी के निधन की खबर सुनी तो इनका भी रो रोकर बहुत बुरा हाल हो गया है और इसी वजह से सलमान और सोनाक्षी ने भी बप्पी लहरी के अचानक निधन की खबर को सुनकर अपना रिएक्शन देते हुए काफी कुछ बातें बोली हैं। जी हां, सलमान खान ने कहा है कि बप्पी लहरी मेरे बड़े भाई की तरह थे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था और अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, पर मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह अब उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहीं बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि बप्पी लहरी इंडस्ट्री का वो हीरा थे जिन्होंने कई सारे मशहूर गानों को अपनी मधुर आवाज दी और उसे दर्शकों तक पहुंचाया है। मुझे भी इनके सभी गाने बहुत अच्छे लगते थे, मैं हमेशा सुनना पसंद करती थी। मैं अब भगवान से यही दुआ करूंगी कि इनकी आत्मा जहां भी है वो हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आपको बप्पी लहरी की अचानक निधन पर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।